रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में शिक्षक दिवस के अवसर पर युवाओं ने नक्षत्र सिटी के मेन गेट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर लगाने का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान रक्त की कमी एक बड़ी समस्या बन गई थी। इस समस्याओं को दूर करने के लिए रक्तदान महादान का संकल्प लेकर हम लोगों ने आज रक्तदान का शिविर आयोजित किया है। इस शिविर में अभी तक 105 लोगों ने रक्तदान किया है। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना महामारी जो चल रही है बीमारी, उसमें ब्लड की बहुत कमी आ रही है। मतलब कि जो वहाँ पर नगर महानगर में ब्लड की बहुत कमी आ रही है, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन किया ब्लड का, रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व। हमारे मित्र जो है दौलत सिंह नागर, ये उनके सानिध्य में हुआ है आयोजन। और इसमें जो भी तकलीफ हो रही है, ब्लड को लेकर कमी आ रही है जो है, उसके लिए किया। और अभी तक कम से कम 80 से 100 यूनिट ब्लड हो चुका है, शाम तक रहेगी गाड़ी। रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन की ओर से MY में जिस तरह ब्लड की कमी आ रही है और गांव-गांव से कैंप लगाकर यहां पर रक्तदान इकट्ठा किया जा रहा है, जिस तरह की लोगों को बीमारियां हो रही है और ब्लड अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमने एक आयोजन रखा है देपालपुर में। अभी इसमें 80 से 90 यूनिट हो चुके हैं और लगातार इसका कार्य चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बस में अंदर और काम चल रहा है, 150 यूनिट का हमारा अनुमान है। बाकी ऐसा लगता है कि यदि 5-6 बजे तक बस रुकती है तो मतलब जो है कि 170-180 यूनिट हो सकते हैं। आपका नाम? दौलत नागर, रक्त मित्र। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।